Hello student, I am Rajeev Kumar, teacher of mathematics in MDN public school. आज बच्चों हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस. उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके सिलेबस में कितने चैप्टर हैं और कितने कितने नंबर के आते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. रिलेशन एंड फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 10 नंबर का आता है. मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स 12 नंबर. कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी 9 नंबर. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 6 नंबर. इंटीग्रल्स 6 नंबर. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल 6 नंबर. प्रोबेबिलिटी 9 नंबर. डिफरेंशियल इक्वेशन 4 नंबर. वेक्टर 5 नंबर. थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री 7 नंबर. लीनियर प्रोग्रामिंग 6 नंबर. तो आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस. बेटा हम इसके बारे में जानेंगे कि हमें हमारे डेली लाइफ में इसका क्या यूज है, क्यों पढ़ते हैं, कहाँ यूज होता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे. उससे पहले हमारे पास दो है वर्ड है, मैट्रिक्स और मैट्रिसेस. मैट्रिक्स सिंगुलर है और मैट्रिसेस प्लूरल है. तो व्हाट इज ए मैट्रिक्स? ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स अरेंज इन रो एंड कॉलम. जो मैट्रिक्स है वो क्या है कि अरेंजमेंट है, किसी भी डाटा का अरेंज करना, किसी भी डाटा को अरेंज करना. जैसे हम एग्जांपल से समझेंगे, सोन हैज 8 बुक्स एंड 5 पेन्स. राम हैज 6 बुक्स एंड 7 पेन्स. साइल हैज 4 बुक्स एंड 10 पेन्स. तो इसको हम टेबल में एक्सप्रेस करेंगे. जैसे बुक्स, पेन्स, सोन के पास 8 बुक्स है, 5 पेन है. राम के पास 6 बुक्स, 7 पेन्स है. साइल के पास 4 बुक्स, 10 पेन्स है. जो ये डाटा है, दिस डाटा आर सेट टू फॉर्म ए रेक्टेंगुलर अरे. जो ये डाटा है रेक्टेंगुलर अरे, जो रेक्टेंगुलर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ जो ये नंबर यहाँ लेंथ बनती है और जो ये ब्रेथ, अरे पोजीशन दिखाना, अरेंज करना. इन सच एन अरे जो हॉरिजॉन्टल लाइन आर कॉल्ड रो. जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम रो बोलते हैं. एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम. जो वर्टिकल लाइन है उसको हम कॉलम बोलते हैं. जैसे जो 8 5 ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो 6 7, थर्ड रो 4 10, ये फर्स्ट कॉलम वर्टिकल है. जो सेकंड कॉलम दूसरी लाइन वर्टिकल है. तो दिस अरे इज कॉल्ड मैट्रिक्स. जो ये अरे है, जो ये डाटा है, इसको अरेंज करना ही मैट्रिक्स है. दिस मैट्रिक्स हैज 3 रो एंड 2 कॉलम्स. इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं? 3 रो हैं, कॉलम है 2. 8 6 5 7 10. इसको हम पोजीशन दिखाते हैं. इसमें 8 की, 6 की, 4 की क्या पोजीशन है. जैसे 8 की पोजीशन, 8 की पोजीशन देखो, फर्स्ट रो पे है, फर्स्ट कॉलम पे है. तो दो पोजीशन है इसकी, रो की साइड से भी और कॉलम की साइड से भी. ए जनरल नंबर है तो पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम. तो जो 8 है वो फर्स्ट रो पे और फर्स्ट कॉलम पे है. आगे जो 6 है, 6 है जो सेकंड रो पे है और फर्स्ट कॉलम पे. ऐसे ही 4 है जो 4 है थर्ड रो पे, फर्स्ट कॉलम पे. ऐसे ही 5 5 है जो फर्स्ट रो पे, सेकंड कॉलम पे. 7 है सेकंड रो, सेकंड कॉलम. जो 10 है, थर्ड रो, पहले रो लिखते हैं उसके बाद कॉलम, थर्ड रो और सेकंड कॉलम. तो जो ये मैट्रिक्स है पूरी, इसमें 3 रो बाय 2 कॉलम. जो मैट्रिक्स है 3 रो और 2 रो, 2 कॉलम की बनती है. तो सम डेफिनेशन, मैट्रिक्स डेफिनेशन पहले स्टार्टिंग में बताई थी आपको. क्या है डेफिनेशन? ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर अरेंज इन रो एंड कॉलम.
कि जो मैट्रिक्स है वो क्या है, नंबरों का अरेंज जिसमें रो और कॉलम होते हैं। इन अदर वर्ड दूसरी डेफिनेशन, ए सेट ऑफ एमएन नंबर, एमएन नंबर का कोई सेट है अरेंज इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर सेट ऑफ एम रो एंड एन कॉलम। जो ये ऑर्डर है एम रो और एन कॉलम इज कॉल्ड एमएन मैट्रिक्स रीड एज एम बाय एन। तो इसको हम क्या रीड करेंगे, एम मल्टीप्लाई एन नहीं, एम बाय एन। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, इच ऑफ द एम एन नंबर ऑफ एम एन मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट्स। जो मैट्रिक्स में एलिमेंट है, जो ये मेंबर है, जो एंट्रीज है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। जो 864 है ये क्या है, मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की नोटेशन, ए मैट्रिक्स इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ए आई जे, ये सिंबल है स्केयर ब्रैकेट और ए आई जे कर्ली ब्रैकेट और मॉडुलस। तो हम इस बुक में सिर्फ फर्स्ट नोटेशन ही यूज करेंगे स्केयर ब्रैकेट। जो एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के हम सुमो लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड, और जो मैट्रिक्स है वो कैपिटल लेटर में ए बी सी। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ए मैट्रिक्स हैविंग एम रो एंड एन कॉलम इज सेट टू बी ए मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स में रो और कॉलम होते हैं उसको ही हम ऑर्डर बोलते हैं, जो एम रो जो एन रो है। जैसे एम एन मैट्रिक्स ए में बी रिटन, कैसे लिखोगे, मैट्रिक्स ए कैपिटल लेटर में पहले ही बताया था आपको। जो ए आई जे, जो ए है वो एलिमेंट है रिप्रेजेंट करता, आई रो को रिप्रेजेंट करता है, जे कॉलम को, और ये किस ऑर्डर की है, एम एन की, एम रो एन कॉलम। तो जो आई है वो किसको कहाँ तक जाता है, रो है तो एम तक गया है, जे है वो एन तक गया है, तो आई रो है जे कॉलम है। तो जो जर्नल मैट्रिक्स बनती है आपकी वो कैसे बनेगी एम एन रो की, जैसे हमें पहले ही बताया था आपको कि ये रो है और ये कॉलम है, ठीक है। तो जो रो है आपका वो एम है, तो फर्स्ट रो सेकंड रो कहाँ तक जाता है, एम रो तक, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम कहाँ तक जाता है, एन कॉलम तक, तो जो लास्ट है ए एम, तो एम बाय एन की मैट्रिक्स बनती है। फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 4 5, इसमें कितने रो है, 1 2, पहले रो लिखते हैं, कॉलम है 1 और 2, दो कॉलम लिखते हैं। ऐसे ही इसमें 2 रो है, पहले रो लिखेंगे और कॉलम कितने हैं, 3। आगे है डायगनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। डायगनल को आप, डायगनल आपको पता है, एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए मैट्रिक्स, ए ए आई जे इज ए डायगनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इफ आई इज इक्वल टू जे, अगर आई और जे इक्वल है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपकी ये जर्नल मैट्रिक्स है, इसमें डायगनल आपको पता है डायगनल कैसे होता, ऐसे होता है, तो ये 3x3 की मैट्रिक्स आपकी, जो डायगनल है देखो ये है डायगनल के एलिमेंट क्या, वो आपके 1 1 2 2 3 3, तो जो डायगनल है 1 1 2 2 3 3 आर डायगनल एलिमेंट्स। प्रिंसिपल डायगनल ऑफ ए मैट्रिक्स, प्रिंसिपल डायगनल ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के जो प्रिंसिपल डायगनल है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगनल या लीडिंग डायगनल ऑफ ए मैट्रिक्स इज द लाइंस अलोंग विच द डायगनल एलिमेंट्स लाई, कि जो ये डायगनल एलिमेंट इससे ऊपर के जो ये है इसको प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स बोलते हैं, और जो ये है इसको प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स बोलते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, अब बात आती है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जो आपकी मैट्रिक्स है वो कितने प्रकार की होती है, कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट है रो मैट्रिक्स, नाम से ही पता चलता है रो मैट्रिक्स, कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो हो। तो ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल 1 2 6 0 3, देखो इसमें रो रो है, कॉलम है ही नहीं है, तो इसलिए क्या हुई है रो मैट्रिक्स। आगे कॉलम मैट्रिक्स, नाम से पता चलता है कॉलम मैट्रिक्स जिसमें कॉलम हो। तो ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, देखो इसमें कॉलम है तो इसलिए इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं।
नेक्स्ट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पता है आपको, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नाम से पता चलता है, रेक्टेंगुलर ऐसे मैट्रिक्स जो रेक्टेंगल बनाती है। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है कि लेंथ और ब्रेथ हो, मतलब क्या हुआ कि जिसमें रो और कॉलम इक्वल ना हो। ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम एन इज सेड टू बी ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ एम डज नॉट इक्वल टू एन, कि जो एम और एन है वो इक्वल ना हो, कि जो रो और कॉलम है वो इक्वल ना हो, रो एंड कॉलम आर नॉट इक्वल। फॉर एग्जांपल 1 2 3 0 4 6 इसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं है, 1 0 3 5 6 7 इसमें भी रो और कॉलम इक्वल नहीं है, तो इसलिए क्या कौन सी ट्रायंगल हुई, आप कौन सी मैट्रिक्स हुई, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आगे स्केयर मैट्रिक्स, स्केयर मैट्रिक्स स्केयर की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है कि साइड इक्वल मीन लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है, मतलब क्या हुआ इसमें रो और कॉलम इक्वल हुए, सिंपल। तो ये मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम एन इज सेड टू बी ए स्केयर मैट्रिक्स इफ एम और एन रो एंड कॉलम आर इक्वल, जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो, कि देखो इसमें 1 2 3 बाई रो है 2 कॉलम है 2, तो 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, इसमें 3 बाई 3 के, तो इसलिए स्केयर मैट्रिक्स हुई। आगे डायगनल मैट्रिक्स, नाम से ही पता है डायगनल मैट्रिक्स, तो ए स्केयर मैट्रिक्स इन विच आल द नॉन डायगनल एलिमेंट्स, जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स है आर 0 इज कॉल्ड डायगनल मैट्रिक्स, कि जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स है डायगनल को छोड़ के जो एलिमेंट्स वो क्या हो, 0 हो, तो उसको डायगनल मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो इसमें डायगनल ऐसे बनता है, ये तो नॉन जीरो है, ये 0 है आपके जो नॉन डायगनल है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायगनल एलिमेंट्स। ऐसे ये एग्जांपल है 3 5 1 ये डायगनल एलिमेंट है, जो नॉन डायगनल एलिमेंट है वो 0 है, तो इसलिए ये डायगनल मैट्रिक्स। इसको हम ऐसे भी ब्रीफली लिख सकते हैं कि ए डायगनल d1 d2 d3 dn, ए डायगनल, इसको हम कैसे डायगनल 2 7 ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्केलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नो डायगनल एलिमेंट्स आर 0 एंड ऑल डायगनल एलिमेंट्स आर इक्वल, कि जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स है वो 0 हो एंड जो ऑल डायगनल है एलिमेंट है वो इक्वल हो, एक जैसे हो। ए स्केयर मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे 0, कब आई और जे इक्वल ना हो तब 0 होता है, और जब आई और जे इक्वल है तो ए आपका के है, के कोई कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे 3 0 0 3, तो इसमें जो डायगनल है वो सेम है, तो जब सेम है तो क्या हुआ, ये स्केलर मैट्रिक्स। ऐसे ये मैट्रिक्स इसमें भी 5 5 सेम है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स। आगे यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मीन क्या होता है, 1, कि जो आपकी मैट्रिक्स है उसमें 1 हो, ऐसा मैट्रिक्स नाम से पता चलता है। तो ए स्केयर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर 0 एंड इच ऑफ इट्स डायगनल एलिमेंट्स इज यूनिटी, जो डायगनल एलिमेंट हो क्या हो, यूनिटी हो, यू मीन 1 हो, जो इसको आई से डिनोट करते हैं। एग्जांपल है जैसे 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, कि जो डायगनल है वो यूनिटी हो, 1 हो, जो अदर एलिमेंट है वो 0 हो, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। आगे है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नाम से पता चलता है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मीन ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ट्रायंगल दिखाई देती है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर टू टाइप है, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगनल आर 0 इज कॉल्ड ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जो प्रिंसिपल डायगनल है उसके बिलो है जो वो क्या हो, एलिमेंट आर 0 हो, प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट ये होता है, उसके नीचे के जो 0 बनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि जो ऊपर ट्रायंगल बनाती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो यहाँ ट्रायंगल बनाती है, ये कौन सी, अपर ट्रायंगल बनाती है, तो इसलिए क्या हो, ये अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स।
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो नीचे ट्रायंगल बनती है तो उसको क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट अबोव द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ऊपर के जो एलिमेंट जीरो बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिंपली याद रखोगे, नीचे ट्रायंगल बनती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऊपर ट्रायंगल बनती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आगे है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स सिंपल है, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें जीरो हो तो जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, कि सभी एलिमेंट जीरो हो उसको जीरो, नोटेशन है ओ। आगे कंपेरेबल मैट्रिक्स, कंपेयर है मैट्रिक्स, कंपेयर कब करते हैं मैट्रिक्स की, टू मैट्रिसेस ए, कोई मैट्रिक्स है ए आई जे एम एन ऑर्डर की, एंड बी है बी आई जे क्यू और आर्डर, इसको हम एम एन क्योंकि हम एन पहले ही नाम दिया है तो इसको ऐसे ही है। आर सेट टू बी कंपेरेबल ओनली व्हेन देन दे आर ऑफ द सम ऑर्डर, ओनली व्हेन एम क्यू, जो m है वो q के इक्वल है और जो n है वो r के इक्वल है। जब m इसका रो इक्वल है, इसका कॉलम इक्वल है तो वो कंपेरेबल मैट्रिक्स, तब हम कंपेयर कर सकते हैं दो मैट्रिक्स की। फॉर एग्जांपल a 3 6 4 8 2 5, b 5 3 7 4 9 8 9, तो ये 2 by 3 की है, ये भी 2 by 3 की है, तो दोनों के रो और कॉलम इक्वल है तो ये कंपेयर मैट्रिक्स है। आगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वल ऑफ मैट्रिसेस, कि हम कोई भी जो मैट्रिसेस है इक्वल किस कंडीशन में हो सकती है, टू मैट्रिसेस ए है, ए आई जे है, बी आई जे है, आर सेट टू बी इक्वल इफ, दो कंडीशन है, फर्स्ट दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, कि वो दोनों सेम ऑर्डर के हो, रो और कॉलम सेम हो, एंड द एलिमेंट्स इन द कोरस्पोंडिंग पोजिशन ऑफ द टू मैट्रिसेस आर इक्वल, जो उसके कोरस्पोंडिंग पोजिशन है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स वो इक्वल हो, ए आई जे इजल टू बी आई जे, तब हम उसको इक्वल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 1 7 2 8 0, ए टू सेवन वन, बी सी इफ, तो जब ये इक्वल है तो ए के इक्वल कौन है, 3, तो ए की वैल्यू कितनी हुई, 3, 7 की इक्वल 7 है, बी के इक्वल कौन है, 8, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, सी की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये मैट्रिसेस का बेस था, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। बच्चों आपको फर्स्ट एक्सरसाइज मैट्रिसेस की ट्राई करनी है, जो क्वेश्चन नहीं आता वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और कल मैं आपको 3.1 एक्सरसाइज करवाता हूँ। ओके, थैंक्स, बाय।